भाई लोगों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग भाई साहब बता दें आपको पहले कि हम आवाज सुन रहे हो इस साइड देख, बाइकर्स नोएडा में आ चुके हैं भाई। तो अपने को थोड़ा सा नोएडा में काम था और दूसरा उसके बाद अब गाड़ी में थोड़े से मैट वगैरह का काम करवाना है, तो डिसाइड कर लिया, जीजा जी से बात कर लिया। तो जीजा जी बोल रहे तो ऐसे कर दिल्ली आ जा, तो मैं तेरे को अच्छे रेट में, कोई उनके हैं मित्र सज्जन तो उनसे दिलवा देंगे। तो अब बस निकल चुका हूँ मैं, तो बाकी भाई जो मेरे साथ थे तो वो सारे अपना अपना कहीं काम कर रहे, तो मैं तो अब निकल चुका हूँ यहाँ पे। अपना टाइम हो चुका है 3:54, टाइम अपने को दिखा रहा है 4:53 तक अपन दिल्ली में और जो लोकेशन भेजी है वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। चीज़ बताऊँ आपको कि भाई साहब गाड़ी मैंने चला दी, एक बार चेक करा दूँ, आप देख लो मीटर दिख रहा है आपको, एवरेज क्या दे रही है वो भी देख लो। तो अपने को 18 की एवरेज दे रही है, लोकल भी चला ली, हाईवे पे भी चला लो 18 की एवरेज देती है। जैसे अगर सीधा हाईवे चूज़ करा ना आपने तो 20.5 तो देती है यार, मेरी अली ने दी है 20.5, मैं क्यों बोलूँ। पर एक चीज़ बताऊँ, इसमें भाई साहब क्लच ना होने के कारण डाउन गियर पर शिफ्ट नहीं मार सकते, मारते ही ये चू 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 करने लग जाती है, ठीक है। उसके कारण एक क्या कि जैसे आप कई बार डाउन गियर मार के ओवरटेक करते हैं ना, तो वो नहीं कर सकते। इसमें क्या है, ओवरटेक हो जाती है लेकिन जो गियर इसको चाहिए उसमें ही, ये नहीं कि डाउन मार के ओवरटेक कर लिया, जो इसको गियर चाहिए भाई साहब वही गियर चाहिए, ये दूसरा ये तीसरा या चौथा पांचवा ऐसा नहीं कुछ चला सकते। और अभी अब कल आए हैं, बहुत ट्रैफिक होने के बावजूद भी जयपुर से नोएडा, तो बहुत हद से ज़्यादा ट्रैफिक था, अपने को तकरीबन 6-7 घंटे लग गए जयपुर से यहाँ आने में नोएडा। तो उसके बाद भी इसने 17.5 की एवरेज दी है, मैं हैरान हो रहा हूँ, सारे जने हैरान हो रहे, बोल रहे इतनी एवरेज दे रही है। तो भाई साहब इसको सही चले तरीके से चलाओगे ना तो मस्त है, प्रॉपर गियर वगैरह इसको चाहिए। एक ना कई बार ही क्या होता है, अब ये आप देख रहे हो ना हीटिंग वाला, अगर ये प्रॉपर नहीं होती ना तो फर्स्ट गियर में भी भाई साहब झटके देती है। जब पूरी प्रॉपर गर्म हो जाए गाड़ी, आराम से चलने लग जाती है, फिर नहीं कोई झटके देती, ठीक है। नहीं तो ये सारा इशू फेस करना पड़ता अपने को। कल हम जयपुर से जब आए भाई साहब, मैं तो बैठा हुआ था पीछे, लालू जी आपको पता थोड़े से हल्दी है, तो जिया जी गाड़ी चला रहे थे, तो जो पीछे वाली स्पेस है ना उसमें थोड़ा सा भाई साहब मेरे को पता नहीं क्यों लगा अनकम्फर्टेबल है, जो रिव्यू आपको बताऊँ। अगर तो भाई साहब मेरे ही सेहत के जैसे बंदे तीन बैठेंगे फिर तो कोई इशू नहीं है, अब जैसे थोड़ा सा हेल्थी बंदा बैठ गया, जैसे 90 किलो के आसपास बैठ गया, तो वो भाई साहब दुख पाने वाले, ठीक है। और जिसकी हेल्थ अच्छी खासी है फुलावट में, वो नहीं बैठ सकते पीछे, पीछे दो ही बैठ सकते। तो वैसे तो ओवरऑल इसकी जो पीछे वाली सीट है वो भी सही है। अब जैसे हम 5 जने आए हैं, लगेज मैं बोल रहा हूँ सभी का लगेज रख लिया, उसके बाद भी स्पेस आराम से बची पड़ी थी। और ओवरऑल परफॉर्मेंस तो मेरे को भाई साहब इसकी एक नंबर लगी, और अपनी 16,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है, इसमें अपने को कोई इशू फेस करने को नहीं मिला अभी तक। और यह 1600 किलोमीटर में ना 1650 किलोमीटर चल चुकी है, और अपने की एवरेज 18.6 आ गई है। तो एक चीज़ बताऊँ, मैंने इसको ना 170 ही वैसे कंपनी क्लेम करती है, मैंने 120-125 तो आराम से चलाई है। इसकी मेरे को एक खासियत पता क्या लगी कि भाई साहब किया सोनेट जो है ना वो ज़मीन से चिपक के चलती है, ये नहीं डर नहीं रहता कि ये पलटी खा जाएगी या कुछ, आराम से कट वगैरह भी आराम से लगती है, और 120 पे फील ही नहीं होते कि 120 पे पहुंच चुकी है। अंदर बंदा बैठा ना उसको ये लगता है कि हाँ 120 पहुंच गई है, मतलब मैं सेफ बैठा हूँ फिर भी। लेकिन मैंने रिस्क लिया था और आपको बताने के लिए, पर 80-100 ही ड्राइव करो आप भी भाई, तो दिक्कत पता नहीं कब हो जाती है। और वैसे तो मैंने मैट का सोचा हुआ करवाने का, लेकिन जिया जी बोल रहे थे देख लेना लाइटिंग वगैरह कोई कहीं काम कराना हो तो लाइट वगैरह चेंज करा लेना। अब देखते एक बार वहाँ पे जाके अगर मेरे बजट में हुआ तो मैं करवाऊँगा, फिर मैं कुछ बता पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं जयपुर आया हूँ और थोड़ा सा काम कूम कर रहे हैं, और नोएडा भी आए हैं काम कर रहे हैं, तो एकदम से मैं सोचूँ इस गाड़ी में पैसे लगाऊँ, और सारा मैं अपने गाड़ी में भी पैसे लगा दिए ही हैं और गाड़ी में मॉडिफिकेशन में पैसे लगाऊँ, तो भाई साहब बजट के नीचे आ जाऊँगा, पूरा हिल जाऊँगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे को कोई इशू आए, इसलिए धीरे धीरे इसमें जो चेंजेस करवाने होंगे वो अपन करवाते रहेंगे। अब क्या है कि इसके जो स्क्रीन है, स्क्रीन चेंज करवानी है, यार जो अलॉय, ठीक है ये दो चीज़ें तो मैं करवाऊँगा
और जो लाइट का है वो भाई अपने कंपनी में उन्होंने बोला था मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देख लेंगे अगर यहाँ पे अपने को सही रेट में मिलेंगे तो फिर मैं वहीं से चेंज करवा लूंगा। अब लेकिन अपने को पता वहीं पे जाके लगेगा क्या रेट है कैसे है, नहीं तो इधर, नहीं तो एक अपने भाई है उन्होंने भी बोला कि मेरे जो बंदा है वहाँ से पता कर लियो, पहले तू यहाँ पे रेट पूछ ले क्या दे रहे। आपको एक चीज दिखाऊंगा भाई साहब कि जयपुर में मैंने हद से ज्यादा जो होती है ना लिमिट, ओवर लिमिट किया सोनेट, बहुत हद से ज्यादा ओवर लिमिट किया सोनेट देखी है हर मोड पे भाई साहब। किया सोनेट, किया सोनेट, किया सोनेट, मेरा तो पहले मन था किया सेल्टोस लेंगे, लेकिन अब तो भाई साहब किया सोनेट ही दिख रही है मेरे को मेरे पास आने के बाद ही, और वाइट में भाई साहब बहुत हद से ज्यादा बोलते है ना वो। नोएडा में एंटर करे ना तो गरीबी वाली फीलिंग पूरी आ रही है भाई, इतनी गाड़ियां देख ली, गाड़ियां टू सीटर गाड़ियां, मैं कहा भाई साहब इसमें आगे ना अपने को गरीब फीलिंग आ रही है कि गरीब है। तो अब यहाँ पे भी आगे देख ही रहे होगे वो अपने को गाड़ी दिखी, मैं कहा यार फिर यहाँ पे फीलिंग अपने को लेनी पड़ेगी। लेकिन अब अपन दिल्ली एंटर कर चुके हैं, देखो भाई साहब ये पीछे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, कितना गंदा, और ऊपर से समझ नहीं आया भाई साहब कैसे एक्सीडेंट होगा, इधर तो रॉन्ग साइड आई नहीं और इधर बजा, और लोड ऐसे कर रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हुआ है, भगवान जो भी हो सही सलामत हो। 22 तारीख अयोध्या राम मंदिर जी का उद्घाटन, और बस अब अपन भी अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। दिल्ली एंटर करते ही ना भाई साहब चारों तरफ भगवा ही भगवा दिख रहे, इधर देख लो भगवा भगवा, जय श्री राम। हाँ जी, तो ये अपने मैट लग चुके हैं 90। मैंने काम तो और करवाना था लेकिन भाई और का फोन आ गया तो अब निकलेंगे। इधर ठंड देख लो तगड़ी वाली भयंकर पड़ रही है, और जयपुर में तो कुछ ठंड नहीं पड़ रही, और जयपुर में ठंड ना पड़ने के कारण मैंने तो भाई इन्नर उन्नर लाइट कपड़े डालने शुरू कर दिए, अब लग गई ठंड, अपनी हालत हो रही है बुरी, कोल्ड कफ हो गया हुआ है। अब बस निकल रहा हूँ फिर वहां पे अपने भाइयों से मिलते और जयपुर के लिए निकलते हो। ये देखो एक बार कहां तक ट्रैफिक है ना, अभी भी मेरे को 45 मिनट बता रहा है, मैं बल्कि आधा घंटा हो चुका है मेरे को चले हुए। और दूसरी बात, इसमें जो मैंने बताया ना लोहे वगैरह का और जो इसकी स्क्रीन का, ये इसका भाई साहब जैसे ही अपने पास बजट वगैरह सही हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा, उसके बाद पहले ये चीजें करवाएंगे। लोहे तो मैंने सोचे है कौन से मस्त लग रहे हैं, बस थोड़ा सा सही हो जाए काम, उसके बाद यही करेंगे, यूट्यूब की पेमेंट आ जाएगी उसके बाद करेंगे। ये दिल्ली नोएडा हाईवे पे हूँ तो भाई साहब एक चीज़ देख रहा हूँ कि किसी की गाड़ी 52 से ऊपर जा ही नहीं रही, मैंने स्पीड लिमिट देखी भाई 60, लेकिन फिर भी किसी की 52 के ऊपर से गाड़ी जा ही नहीं रही। और ऊपर से भाई इधर का तो मेरे को वैसे ही नहीं समझ आया कि किधर किधर मोड़ घूम रहे हैं, किधर किस किधर घूम रहे हैं, लेकिन नोएडा में तो भाई साहब इतना पजल करते थे। ओ तेरी भाई साहब सामने दिखाऊं, ए ए हाँ ये पूरे देख लो शिट। अब बस मेरे को लग रहा है कि अपनी तगड़ी वाली 1.5 घंटा और लगेगा अपने को। टाइम हो रहा 7:03, और अब यहाँ से बस 30 मिनट का रास्ता रह गया, इतना ट्रैफिक। और एक चीज मेरे को पता क्या गलत लग रही है, दिल्ली वाले भाई साहब फर्स्ट लाइन से उस लाइन में जाएंगे लास्ट वाली लाइन में, भाई साहब मैं देख के हैरान हो रहा हूँ ये कर क्या रहे हैं, बहुत गंदी ड्राइविंग है दिल्ली वालों की। अब इसका ये दिखा रहा हूँ ना दिल्ली वाला, ये भाई साहब ये तीसरी लाइन में या चौथी लाइन में ऐसे चले जाते हैं एकदम से ही, इनके कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है। और बीच में बड़ी बड़ी गाड़ियां है ना भाई, चलती नहीं है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। और स्पीड मीटर वगैरह क्या होता है यार, 60 तो स्पीड दी हुई है, ये तो भाई साहब 30-30 पे चला रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, जैसे ये बड़ी गाड़ी जा रही है ये 30 पे, मैं हैरान हो रहा हूँ। मैं भाई साहब फिर मेरे को ही साइड में कट मार मार के ओवरटेक करके निकलना पड़ रहा है, अगर ऐसे चलूंगा तो भाई साहब कल तक पहुंच जाऊंगा नोएडा, और बस 30 मिनट में नोएडा पहुंच जाएंगे अपने भाइयों के पास। अब जब मैं रात को 2 बजे चला था तो 120 की स्पीड चला रहा, जब मैं आपको बता रहा था ना एक इसी हाईवे की बात है, और अब मैंने देख रहा हूँ ना तो भाई साहब मेरी 57-56 ये स्पीड चल रही इस पे। तो अब हुआ क्या कि मैट वगैरह का और जो सीट कवर का काम था, मैट का तो हो गया, सीट कवर का बोल रहे हैं बने बनाए लगवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको बना के देंगे ठीक है प्रॉपर, और वो अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो बोल रहे अगर वो आपको चाहिए
तो 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में बनेंगे। बोला ऐसे बने बनाए लेने में नुकसान नहीं है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। अब इसीलिए देखते हैं कि अपना चांस हुआ दोबारा फिर नोएडा वगैरह या दिल्ली आने का, फिर अपनी गाड़ी का करवा लेंगे काम। तो अब दो भाई हैं, लालू भाई को तो देख ही लिया, भाइयों को उठाया, अब दूसरे भाई हैं उनको कश्मीरी गेट से उठाएंगे। और भाई साहब मेरा तो कर रहा है सिर दर्द ठंड के मारे, क्योंकि हीटर फिर वहाँ पे, यहाँ पे नोएडा में चल रही है ठंड तगड़े वाली, इसके कारण पूरा सिर दर्द कर रहा है। मैं तो गाड़ी चलाऊंगा नहीं, ज्यादातर राहुल जी चलाएंगे, जा तो अंकित भाई चलाएंगे, तगड़े वाला सिर फट रहा है मेरा। Many minutes later. जयपुर पहुंचते ही राम जी के वेलकम की धमाका, जय श्री राम, जय श्री राम। और जयपुर आ चुके हैं, अपना पहुंच चुके हैं, और जो अपने काम थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं। अब गाड़ी का काम जो मैंने बताया वो धीरे धीरे उसके मॉडिफिकेशन जो अपने को जरूरी लगती है वो करवाएंगे। और बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, और आपने जाके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को ऑन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। राम राम। और दूसरा कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख के जाना।